हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? देखो दोस्तों, ये ग्रास माइनिंग पे जो वाले अभी हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपना ईमेल जो है उसको वेरीफाइड करना है। मैंने पिछले वीडियो भी उस पर बनाई आपको बताया, ठीक है ये, ठीक है। अगर आपका अभी भी वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ आपने आइकन पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो आइकन है यहाँ पे आपको आ जाएगा, या मेरा वीडियो देख ले, ठीक है, उस पर आप इसको क्लिक ले, इसको कर ले वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद अभी जो है इसमें मतलब ये पेंटियम वॉलेट जो है, सोलाना का वॉलेट हो तो उसका पेंटियम वॉलेट ही है, पेंटियम, ठीक है। तो उसको ही हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी उसको किस तरह करना है, बहुत से यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई है लेकिन कोई भी किसी को अच्छी तरह नहीं बताता है। सबसे पहले तुम्हें इससे आउट होता हो, यहाँ पे हमारे पास दो ही ब्राउसर होता है, एक ये वाला है कीवी ब्राउसर, ठीक है, और दूसरा मिसेज ब्राउसर है, ठीक है। मैंने 2-3 दिन से इस पर ट्राई कर रहा था लेकिन मेरा इस पर बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसमें ही चलाता हूँ इसको, मतलब मेरा इस पर भी एक्सटेंशन यहाँ पे, अगर आप क्लिक करें ये नीचे देख ले, ग्रास का एक एक्सटेंशन यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। लेकिन अभी जब हमने इस पर वॉलेट कनेक्ट करना है ना, उसको उसके लिए हमें फेंटियम वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका मैं हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन उसका ऐड करना होगा, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, एक्सटेंशन पे क्लिक करें ना, तो हमें यहाँ पे वो फेंटियम वॉलेट का एक्सटेंशन कनेक्ट करना है। अभी फेंटियम वॉलेट आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाके उधर से आप कर ले, वो अच्छा होता है, आपका एप्लीकेशन उधर ही पड़ा होता है, आपके आपका जो अपना मोबाइल है, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ मतलब प्ले स्टोर पे, ये देखो प्ले स्टोर से मैंने उसको डाउनलोड किया है, ठीक है, फेंटियम वॉलेट को उसको मैंने किया हुआ है, ठीक है। ये नीचे देख ले आप, ये मेरा इंस्टॉल है। तो अभी मैं अपने मोबाइल पर चलता हूँ, आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, ठीक है। अभी ये फेंटियम वॉलेट को मैं ओपन करता हूँ, मैंने न्यू वॉलेट इस पर बनाया है, ठीक है। इस पर अगर आपका मतलब अपना कोई ओल्ड वॉलेट है, फेंटियम का वॉलेट है किसी का, तो वो तो ठीक है उसका, ठीक है। उसका मैं आपको मतलब इसका भी तरीका बताता हूँ, उधर एक्सटेंशन आपने किस तरह ऐड करना है, ठीक है। अगर किसी का नहीं है बंदे, तो ये उसके लिए भी है, और क्योंकि वो भी इसको मतलब जाके बनाए, और जो ओल्ड है जिसका है, मेरा अपना है दूसरे मोबाइल पर, ये किसी और का मोबाइल है उस पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका है अपना, ठीक है, अगर किसी का है, अभी आपने फेंटियम को डाउनलोड किया है, तो आपने उधर भी कर सकते हो ब्राउज़र पे जब उसको कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इधर से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से आपने क्या करना है, अगर आपका है अभी तो इधर पे इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है, अगर किसी का नहीं है तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपको अपने 12 फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर ले इसको, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर ले, ठीक है। तो उसके बाद आपने ओके आई सेव इट, इस पर आपने क्लिक करना है नीचे, ठीक है, इस पर आपने फिर क्लिक करना है, समझ गई बात को, ठीक है। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट ये आगे 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 ये चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको अभी इसको यहाँ से मैं ख़त्म करूँ ना, तो फिर ये जो नीचे फ्रेज है ये आपको शो हो जाएगा, ये आपने किसी को भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो मैं इस पर डायरेक्ट चलता हूँ आगे, इस पर आपने इस पर करना है, ठीक है। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। आई एग्री पे आपने इसको आपने ठीक करना है, गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो एनेबल पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करें, ये अंडरस्टैंड पे क्लिक करें, ठीक है। इसका जो क्राइटेरिया है, ये आपका नया वॉलेट बन गया, आपने वो जो सीक्रेट फ्रेज है ना उसको आपने रखना है कहीं पे, ठीक है, अपने पास सेव करना है, ठीक है। तो अभी आप क्या करें इसके, ये तो मैंने नया, अभी आपने उधर जो एक्सटेंशन वहाँ पे लगाना है ना, एसी वॉलेट के जो आपके फ्रेज हो गए ना, ये ही वॉलेट मतलब आपका ये एप्लीकेशन में यहाँ पे पड़ा होगा, एसी वॉलेट के सीक्रेट फ्रेज को आपने यहाँ से कॉपी करना है, फिर उधर एक्सटेंशन में भी यही अकाउंट आपने उधर भी एसी अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये सेटिंग पे जाना है ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपने अभी आपने क्या करना है, शो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, इस पर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर से इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी ओपन हो जाए इसके, तो ये आपके फ्रेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है हमने इसको, तो हमने उधर जाना है, बाकी उस पर काम करना है अभी, कीवी ब्राउज़र में करना है और मिसेज ब्राउज़र में, ठीक है, इधर से। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन या उधर भी अगर आप बनाए उस पर डायरेक्ट वॉलेट, उधर पे भी क्रिएट वॉलेट होता है, तो उसके जो सीक्रेट फ्रेज है ना, उसको आपने जब यहाँ पे एप्लीकेशन में ओपन करते हो वही वॉलेट को, तो एप्लीकेशन में आके उसको उधर से कॉपी करना होगा, इधर पेस्ट करना होगा, तो ये वही वॉलेट इधर आपका ओपन होगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, फिर मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, उसको मैंने कॉपी किया इधर से, ठीक है, अभी मैं इससे निकल जाता हूँ, ठीक है। बस इसका अभी काम ख़त्म हुआ, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है।
अभी कीवी ब्राउजर पे आए, कीवी ब्राउजर पे आपने किस तरह मतलब इसको अभी यहाँ पे, अगर कीवी ब्राउजर में आपको मैं दिखाता हूँ, इस पे नहीं होता है उसका जो जो कनेक्शन है वो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ, पहले आप देख ले, क्योंकि ए सी पे मेरा अकाउंट भी ए सी पे है, उस पर फिर मैं दोबारा लॉगिन होना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा, ठीक है, फ्रॉम स्टोर पे क्लिक करें, ठीक है। अच्छा पहले तो ये फ्रॉम स्टोर कहाँ पे, ये पहले आपने एक ये एक्सटेंशन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, एक्सटेंशन पे क्लिक करें, फिर उस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ सर्च पे जाए, ठीक है, सर्च पे पेंटियम वॉलेट दे दे यहाँ पे, ठीक है, सर्च पे पेंटियम दे दे, इसको सर्च करें, गो पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये वाला ही है, ठीक है, ये वाला वॉलेट है, ठीक है, ये वाले नहीं है, ये सारे नहीं है, ठीक है। तो इस पर आपने क्लिक करना होगा डायरेक्ट, ठीक है। अभी हमने इसका जो एक्सटेंशन है उसको हमने इसमें ऐड करना है, ये ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर, ओके पे क्लिक करें, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रास वाला जो है तो इसी तरह इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी पेंटियम हुआ, ठीक है, अभी इसको आप फिर क्रॉस करें, ठीक है, या डायरेक्ट इस पर क्लिक करें, यहाँ पे जाए, ये अभी देखें यहाँ पे आपका पेंटियम वॉलेट जो है ना वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करें, ये वाला जो है इस ये जो है ना इसको छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, पेंटियम पे क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। अभी उधर से जो मैंने सीक्रेट फ्रेज है उसको मैंने कॉपी किया है, जो उधर एप्लीकेशन पे मैंने बनाया वॉलेट, ठीक है। अभी ये वही वॉलेट आप यहाँ पे भी बना सकते हो, तो एप्लीकेशन वाली अच्छी होती है, उधर बस वो पड़ा होता है, उसमें हमें जो कुछ भी होता है उस पर उसके साथ कनेक्ट करना होता है। अभी मैंने उसी को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट पे मैंने क्लिक करना है, ठीक है, इम्पोर्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे इम्पोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग वॉलेट, इम्पोर्ट सीक्रेट फ्रेज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी ये वो उसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने ये इम्पोर्ट वॉलेट पे क्लिक करना है नीचे, ठीक है, इम्पोर्ट वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट आगे जाएगा, ठीक है। तो मैंने इम्पोर्ट वॉलेट पे क्लिक किया, आप ये देखिए इम्पोर्ट, ठीक है, ये देखिए अभी वही वॉलेट मेरा इधर पे लग गया, ठीक है। ये कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कंटिन्यू पे मैं यहाँ पे, अभी आपने कोई पासवर्ड भी सेट करना है अपना, कोई पासवर्ड दे दे, ठीक है। तो मैंने इसको पासवर्ड दिया, ये आई एग्री पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, बस ये आपका वॉलेट इधर ओपन हो जाए। अभी ये देखिए एक्सटेंशन इसका लग गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख, ठीक है। अभी हमने ग्रास पे जाना है, ठीक है, ग्रास पे जाए, अभी वापस अपने ग्रास पे आ जाए, ये मैं ग्रास पे आया अभी, ठीक है, ये कनेक्ट वॉलेट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पे आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट लंबा मैं नहीं करता हूँ, फिर ये लंबा हो जाएगा, पेंटियम पे क्लिक करना है, ठीक है। जब पेंटियम पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ से ये आ जाता है, आपको आगे पेंटियम के साथ से कनेक्ट हो जाए होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है, जिस पे मैंने बहुत ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है, ये इस ब्राउजर पे होता ही नहीं कनेक्ट, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका है तो कोई ये ना सोचे कि आपने इधर किया था फिर उधर उधर का बता रहे हो, ठीक है। तो इस पे नहीं होता है, इसको छोड़ दे बस, अभी यहाँ से ख़त्म करें इसको, आपने जाना है मतलब अपने ये मिसेस ब्राउजर पे जाना है, ठीक है, मिसेस ब्राउजर पे आ जाए, यहाँ पे हमने ग्रास को भी पिक ले लाना है, ठीक है, हिलाओ करें, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे ग्रास को लाते हैं, ग्रास को आपने किस तरह लाना है, ये नीचे है भी आया भी है, अगर नहीं भी आया यहाँ पे आप अपने इस पे आ जाए अपने ग्रास पे, ठीक है, इसको देख करें, ठीक है, ये ऊपर जो है इसको मैं आपको अभी इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। ये ऊपर जो है आइकन, ये सर्च का जो है ये सर्च बार, इस पर क्लिक करें, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, तो यहाँ से ये आपका मतलब है इसको कॉपी करें, या इसका लिंक है रेफरल लिंक उसको कॉपी करें, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, या आप अपने रेफरल जो आपका लिंक होता है ना उसको भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कॉपी करें, बेकार जाए अपने मिसेज ब्राउजर पे, मिसेज ब्राउजर पे यहाँ पे उसको पेस्ट करें, ये जो ग्रास का मतलब है अपना उसका जो एप है, ठीक है, डायरेक्ट वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सही। तो ये ओपन हुआ, यहाँ पे अपने अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना है, ठीक है। तो मैंने उधर पे मतलब अपना जो ईमेल है पासवर्ड उसको मैंने दिया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अभी ओपन हुआ है मेरा, ठीक है, यहाँ पे वही अकाउंट, ठीक है, सेम वही अकाउंट है, देख लिया आप इसके भी मतलब यहाँ पे देख लिया, डिश बुक पे जाए, ठीक है, ऐसा ना हो आपको फिर लगे कि ये कोई और अकाउंट आपने ओपन किया है, ये वाला भी देख लें, ठीक है, ये दोनों देख लें, इस पर भी देख लें, 18 88 18, ये वो सब कुछ क्लियर है, क्लियर हुआ, ठीक है।
तो अभी इसको तो हमने यहाँ पे अभी इसका भी एक्सटेंशन अभी ऐड नहीं करना है मैंने। एक्सटेंशन अगर उधर से भी आप काम करते हो ना, सिर्फ हमने ये वॉलेट जो इसको इसको हमने कनेक्ट करना है इसको, मतलब हमने ये भी डिश डिस्टॉक पे आप इसको करें, डिस्टॉक मोड पे करें, ठीक है, ताकि हम सिर्फ वॉलेट जो है ना उसको यहाँ पे कनेक्ट करें। बाकी अगर आपने एक्सटेंशन इसका लगाना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी अभी इसमें हमें एक्सटेंशन ऐड करना है, ग्रास का भी ऐड करना है, क्योंकि ग्रास का यहाँ पे भी यहाँ पे चलाया करें ये अच्छा होता है, उससे मतलब इस पर पॉइंट आपको ज़्यादा मिलते हैं, लोड भी ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये एड एक्सटेंशन पे, एड एक्सटेंशन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद इसको ये डेवलपर मोड जो है ना इसको आपने ऑन करना है ऊपर से, ठीक है। इसको ऑन करें कि इसमें एक्सटेंशन थोड़ा सा इस तरह हेड होता है। अभी क्या करना है आपने, वही सेम इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सर्च पे जाना है, पेयर सर्च पे जाए, ठीक है। अपने पेंटियम पेंटियम को मैंने यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, पेंटियम वाले को। तो अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे फैंटम वॉलेट को सर्च किया, ठीक है, ऊपर तो वह कैसे आएगा, फैंटम पे क्लिक करना है, ठीक है। फैंटम पे क्लिक करके उसी वॉलेट को हमने इधर भी करना है, एड क्रोम ये ऊपर एड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मतलब अभी एड हुआ, ठीक है। जब आपको रिमूव का ऑप्शन आ जाएगी रिमूव एक्सटेंशन, ठीक है, तो आपका एड हो जाएगा, ठीक है। या तो डायरेक्ट इस पर काम कर ले यहाँ से, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ इस पर इम्पोर्ट पे, मैं क्लिक करता हूँ वही वॉलेट, इधर भी हमने मतलब इस पर भी वही वॉलेट आओ ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ये जो वीडियो है इसको फिर मैं आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा नहीं इसको मतलब यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं इसको छुपा लूँ और आपको मैं दिखा दूँ या उसके बारे में, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अभी पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट उधर चला जाएगा, ठीक है। अभी जो किया है मैंने उससे मतलब कापी जो है वो उस पर मैंने वो एक्सटेंशन का लिंक उधर से कापी किया था। अभी आपने फिर से पेंटियम वॉलेट पर जाना है, अपने पेंटियम वॉलेट पर जाना है, उधर मैंने उसको उधर से कापी किया है। अभी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट वॉलेट पे उधर क्लिक किया है, अभी इंपोर्ट अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे फिर आपने कोई पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड अपना सेट किया, अभी मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो ये फेंटियम वॉलेट आपका यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ना उसको आ जाएगा। आप देख रहे हैं अभी फेंटियम वॉलेट का आ गया एक्सटेंशन, ठीक है, ये, ठीक है। तो अभी हमने फिर अपने मतलब जो है ग्रास पे जाना है वापस, ठीक है। ग्रास पे मैं आया, वो अभी देख लिया आप इसको, ये डायरेक्ट इंशाल्लाह इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ईमेल पे एक कोड जाएगा, उसको भी कंफर्म कर लें। वीडियो तो लंबी हुई लेकिन मैंने क्लियर सब कुछ फेंटियम वॉलेट को बना के उधर से मतलब सब कुछ मैंने आपको अच्छी तरह बताया, ठीक है। ये रिवार्ड पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, नीचे। अभी यह डायरेक्ट आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है, कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये फेंटियम पर क्लिक करें, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे हो गया, ये कनेक्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है, आर यू यूजिंग, ठीक है, इसको छोड़ दे, ठीक है। स्मॉल ट्रांजैक्शन फी विल बी रिक्वायर्ड टू साइन, उस पर नहीं क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करना है डायरेक्ट, वेरीफाइड पे क्लिक करें। तो अभी ये कंटिन्यू पे आपने दोबारा क्लिक करना है, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। वेरीफाई आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे वेरीफाइड हो, अभी देख लिया यहाँ पहले जो ईमेल था उसको हमने किया है, अभी वॉलेट को किया है। अभी ये जो है ना ईमेल वेरिफिकेशन, ये अभी इसके बाद आएगा, ठीक है। आपको मतलब दोबारा वापस ये इसका नहीं, ये वॉलेट का ईमेल वेरिफिकेशन है कि इसको ये चेक करते हैं कि आपने ये जो वॉलेट लगाया है ये इसका वेरीफिकेशन है, ठीक है। स्टार्ट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, ये सेम वेरिफिकेशन लिंक, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपकी जीमेल पे उठ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जीमेल दूसरा मोबाइल पर है, इस पर मैं ऑन करता हूँ तो मैं आपको वीडियो पे इसमें जो कैमरा है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब अभी आप देख ले, मुझे यहाँ पे आया ही तो आपने इस पर क्या कर लिया, ठीक है। मैं पहले उधर उसको ऑन करता हूँ ईमेल को, ताकि आए फिर आपको मैं दिखा दूँगा। तो अभी सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या कह रहा है कि आपको हमने ईमेल भेज दिया, अगर आपको मतलब उधर पे डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है तो जंक
आठ स्पेम फोल्डर है उस पे भी देखे, अगर खुदा ना पास आपको ना आए, ठीक है। अभी मुझे आया है अपने दूसरे मोबाइल पे, तो ये मेरा आप देख ले, यहाँ पे नीचे ग्रास माइनिंग का वही अकाउंट है, अकाउंट भी देख ले आपके, आपको ये ना लगे कि ये किसी का वही भी ऊपर आप देख ले, मेरा ईमेल देख ले, ठीक है। तो इसको कर तो ऐसा, तो ये ग्रास वाला है, ठीक है, ग्रास पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये ग्रास से डायरेक्ट आया, अगर ना अगर किसी को ना आए, ठीक, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप जाके ये जो यहाँ पे ये वाला फोल्डर है ना, जो है ट्रस्ट, ठीक है, स्पेम, इसमें इसमें आपने चेक करना है, इस पे शायद आपको आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट ना आए, ठीक है। तो अभी मुझे डायरेक्ट आया है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ग्रास पे, ये आपने वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक करना है, वॉलेट एड्रेस पे यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है उसको अपने इसके साथ मतलब फिंगरप्रिंट जो भी अगर लगाया हो तो वो आपको आएगा, उसको करना है, ठीक है। तो आप ये देखा, ये वेरिफिकेशन वॉलेट सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे आ जाए, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ से रीलोड करता हूँ, ठीक है। उधर से हमें कह दिया कि मतलब ये जो ईमेल है इसके साथ वेरीफाइड हुआ। तो अभी आप देख लीजिए, ये सब मतलब अभी ख़त्म होगा, क्लियर, ये भी क्लियर हो, ये भी क्लियर हो, ये भी क्लियर हो। तो इस तरह आपने करना है, और जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है ना, तो उसने इस पे 100 कवर जो है ना, 100 कवर उसको कंप्लीट करना है, उसके अलावा उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी। तो अच्छा, इसमें अगर अभी आपने एक्सटेंशन यहाँ पे ही ऐड करना है ना, ग्रास वाला एक्सटेंशन, अगर आप यहाँ से ही कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक करना होगा दोबारा वापस, ये एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है, ठीक, वापस इस पे क्लिक करना है, उसी तरह सेम इसको भी ऐड करना है, ये प्रॉम्प्ट इस पे क्लिक करें ऊपर, ठीक है। इस पे भी फिर इसको चलाए, ठीक है, इस पे मतलब थोड़ा सा अच्छा चलता है, ठीक है। सर्च पे जाए, यहाँ पे सर्च पे जाए, यहाँ पे ग्रास दे दे, सिर्फ ग्रास दे दे इसको, मतलब सर्च करें आपको, तो ये वाला जो है ना, ये अभी थोड़ा सा लोड लेता है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो है ना, ये नीचे वाला, इसको आपने करना है, ये वाला जो है, ठीक है, इसको इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करें, ये ग्रास का जो एक्सटेंशन है, ठीक है। अभी उसको हमने इधर से ही मतलब चलाना है, कि ये ब्राउज़र से मतलब नहीं चलाई, ठीक है। तो ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अभी ऐड हुआ ग्रास का, ठीक है। अभी अगर आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो आप ये देखिए अभी ग्रास एक्सटेंशन भी आया, ठीक है, पेंची वॉलेट का भी आया, मीटामास्क का भी किया इसका जो भी है, ठीक है। तो उस पर आपने किस तरह ग्रास एक्सटेंशन पे क्लिक करें, यहाँ से ही इसको ओपन करें, यहाँ पे ही चलाए, ठीक है। ये लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन डायरेक्ट आपका उधर से हो जाएगा, दोबारा आपसे पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा, क्योंकि उधर जो उसका पेज है मतलब इसका जो वेबसाइट है उस पर हमने उसको लॉगिन किया है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट इस तरह का ईमेल आपका आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह का ओपन हो जाएगा, आपने डायरेक्ट जाके अपने ग्रास को मतलब यहाँ से ओपन करें, ये इस पर क्लिक करें, ग्रास एक्सटेंशन पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये इधर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये देखिए अभी माइनिंग आपका इधर से ही स्टार्ट हो, ठीक है। और ये तो इस तरह आपने करना है इंशाल्लाह, बाकी कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको फिर गाइड करता रहूँगा।